एसपी जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और यह कभी विष नहीं फैलाता, सनातन संचार करता है स्व शक्तियों का। एक और संकेत दिया गया और वो बहुत खतरनाक संकेत है, वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है और वह है धर्म परिवर्तन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस YouTube चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे देश के उप राष्ट्रपति जी उन्होंने धर्म परिवर्तन के विषय में क्या कहा। तो आइए, हम न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे देश में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके विषय में क्या कहा। संस्थागत साजिश हो रही है धर्म परिवर्तन पर, वीपी जगदीप धनखड़ ने किया आगाह। सुगर कोटेड फिलॉसफी को वीपी जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि हमें सचेत रहना होगा ताकि भयावह ताकतों को नकार सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ी चिंता जताई है। गुरुवार 26 सितंबर 2024 को उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता है, यह तो खुद शक्तियाँ का संचार करता है। देश में एक संकेत दिया गया है जो कि बहुत खतरनाक है और ये राजनीति को भी बदलने वाला है। ये नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है और सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है। ये धर्म परिवर्तन है। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला के उद्घाटन भाषण के दौरान जगदीप धनखड़ ने दावा किया, फिलहाल देश में सुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। वे समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं, वे हमारे आदिवासी लोगों में अधिक घुसपैठ करते हैं, लालच देते हैं। हम बहुत ही पीड़ादायक तरीके से एक नीति के रूप में धार्मिक धर्मांतरण को देख रहे हैं और ये हमारे मूल्यों और संवैधानिक परिसर के विपरीत है। ज़रूरत है तेज़ी से काम करने की ताकि ऐसी भयावह ताकतों को नकारा जा सके। हमें सचेत रहना पड़ेगा और तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत को खंडित करने के लिए जो लोग आज सक्रिय हैं उनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब मैं सामने राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को देखता हूँ और पड़ोसी देश में कुछ होता है तो एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहा है, केंद्र में मंत्री रहा है, वकालत के पेशे में वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक नैरेटिव चलाता है, कहता है कि ये भारत में भी हो सकता है। क्या हमारा प्रजातंत्र कमज़ोर है? संवैधानिक सिद्धांतों के है विपरीत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हम एक दर्दनाक धार्मिक रूपांतरण देख रहे हैं और ये हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सनातन धर्म के सार को दर्शाती है। हिंदू धर्म सच्चे अर्थ में समावेशी है, यह पृथ्वी पर सभी जीवों का ध्यान रखता है। दूसरों की सेवा में जीवन बिताना हमारी भारतीय संस्कृति का सार और मूल मंत्र है। आज भी सेवा का भाव हिंदू समाज में प्रबल रूप से विद्यमान है। भारतीय समाज संकट में दूसरों का सहारा बनता है, अपने तनाव की परवाह किए बिना। उन्होंने आगे कहा, इन दिनों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों की काफ़ी चर्चा हो रही है।
काफ़ी सारी रिपोर्ट आ रही है, वे अध्ययन करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम में कुछ कमी निकाल लें कि भारत वह देश है जहां 10 में से 4 लोग अर्पित कार्यों में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे भारत देश के उप राष्ट्रपति VP जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा धर्म परिवर्तन के विषय में। तो दोस्तों, हमारे उपराष्ट्रपति हमारे देश के उपराष्ट्रपति है और हर एक धर्म के लिए वो हर एक जाति के लिए उप राष्ट्रपति हैं। तो हमें इस वीडियो लाने का मकसद नहीं है कि कोई भी जाति विशेष या कोई भी धर्म या कोई भी संगठन को प्रोत्साहन देना, कोई भी असामाजिक तत्व को प्रोत्साहन देना, लेकिन आपके बीच में मसीही न्यूज़ मसीही बातों को लेकर आता हूँ ताकि आप सब जागरूक होने पाए। तो दोस्तों, आप सभी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो में देखकर कोई भी गलत कमेंट ना करें, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति है और वो धर्म के विषय में वो कुछ कह रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट देखा, आप ज़रूर अच्छी कमेंट करें ताकि हमारे देश में उन्नति होने पाए और शांति और अमन चैन होने पाए और हमारे देश में जिस प्रकार जो स्वाधीनता है कि हम हर एक धर्म को मान सकते हैं, उसी प्रकार हम मानने पाए, मिल चलने पाए। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई बीमारी अवस्था में है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, आपका नाम लिख के बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपका प्रार्थना का उत्तर देंगे और वो देने वाले परमेश्वर हैं, आपको चंगाई करेंगे। और साथ ही आप ज़रूर हॉस्पिटल जाए जब भी बीमारी अवस्था में हैं और विश्वास रखें ताकि परमेश्वर आपको स्वस्थ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।